प्रदेश विधानसभा के सदन में बजट पर चर्चा के दौरान 2024 का संदेश दिखा और सीएम योगी और अखिलेश यादव के वार पलटवार में दोनों ही पार्टियों की रणनीति की झलक भी मिली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ विपक्ष पर करारा प्रहार किया बल्कि पिछले सरकारों की नीति, नियत और प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े किए। आज की महाबहस में 24 का संदेश और सदन में योगी वर्सेस अखिलेश, खास गेस्ट पैनल के साथ इस पर होगी चर्चा। पहले रिपोर्ट। जीडीपी को दोगुना करने में सफलता प्राप्त की। अखिलेश के वार पर सीएम योगी के तीखे प्रहार। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। 70 वर्ष लगे जितना उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को पहुंचने में, कोरोना जैसी महामारी का सफलतापूर्वक सामना करने के बावजूद मात्र 7 वर्ष में उससे दोगुना करने में हमने उत्तर प्रदेश की जीडीपी को दोगुना करने में सफलता प्राप्त की। योगी का अखिलेश परिवार ब्रिटेन जाएंगे, अयोध्या नहीं। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन पर निर्भर है। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन किसान की बोरी में से 5 किलो की चोरी जारी है। मैंने कहा था बरसत हरसत सब लखे, करसत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सुहाग से भूख भानु सो होई। सूर्य समुद्र नदी तालाब से पानी लेता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता, परंतु जब वह बादल के रूप में वर्षा करता है तो सबको पता चलता है। पहचान का संकट वर्सेस उत्तर प्रदेश में राम राज्य, वही मंजिल पर पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। डुबा देता है कोई नाम तक भी खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। अरे अपना गांव तो बता दो, कौन सा है आपका गांव? मोदी पोटेंशियल उत्तर प्रदेश में था, इसकी क्षमता उत्तर प्रदेश में थी, यहां का युवा उस प्रतिभा से लैस था, उसकी आकांक्षा भी थी, लेकिन कुछ करने की जिजीविसा स्टेट की लीडरशिप में नहीं। 24 का संदेश सदन में योगी वर्सेस अखिलेश। 250 की इकोनॉमी बनने में भी उनको संदेह है। उत्तर प्रदेश हर फील्ड में नंबर एक का बने, इसमें भी उनको आपत्ति है। अयोध्या आप जाना नहीं चाहते, ब्रिटेन तो आप अक्सर जाते ही हैं, ब्रिटेन तो आप अक्सर जाते हैं, और आपके टिकट कौन बुक कराता है ये भी आपको पता है। और वक्त है महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस रहेगी आज की डिबेट। वो सवाल आपके सामने रख देते हैं। सवाल नंबर एक, उभरते उत्तर प्रदेश पर विपक्ष को आपत्ति क्यों? सरकार की पॉलिसीज पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सरकार जिस तरह की योजनाएं चला रही है और जिस विकास के दावे कर रही है, उन पर आखिर विपक्ष किन बातों को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, क्या आपत्तियां हैं, ये सवाल पूछेंगे। और साथ ही वोट बैंक के लिए अयोध्या नहीं जाता क्या विपक्ष, क्या इसके पीछे कोई तुष्टिकरण की नीति है? बार बार अखिलेश यादव कहते हैं जब भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे, और आमंत्रण भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया, 22 जनवरी को वो नहीं गए, तो क्या इसके पीछे कोई वोट बैंक की राजनीति है? और सवाल यह भी कि 24 का संदेश सदन में योगी वर्सेस अखिलेश, आज जिस तरीके का वार पलटवार सदन में देखने को मिला। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। राजेश चौधरी जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, प्रदीप भाटी जी जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सचिन रावत जी हमारे बीच में हैं स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, अनिल दुबे जी प्रवक्ता आरएलडी, और साथ ही रामपाल कुमार जी हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत राजेश चौधरी जी आपसे। आज हमने हाउस के अंदर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बीच में वार पलटवार देखा, दो बातें निकलकर सामने आई। एक तो पहचान का संकट वर्सेस उत्तर प्रदेश को किसने पहचान दी, मतलब राम राज्य आज जिसकी बात हो रही है,
उसको लेकर जबरदस्त तरीके से घमासान देखने को मिला। बहुत सारे सवाल अखिलेश यादव ने खड़े किए, बहुत सारे जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए। तो 2024 में न्यू उत्तर प्रदेश की बात सरकार इस प्रकार से करेगी, मतलब यूपी की छवि अब राम राज्य की तरह। देखिए आस्था जी, जब जब उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा होगी तो तुलना तो हर सरकार की होती है, कौन सरकार कितना काम कर रही है, किस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश किस दिशा में जा रहा है, ये स्वाभाविक बात है। मैं भी सदन के अंदर था और आज उत्तर प्रदेश की जो पहचान देश के अंदर पूरी दुनिया के अंदर बनी है वो आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आप याद करिए 2017 से पहला बीमारू राज्य उत्तर प्रदेश, बदहाल स्थिति, भ्रष्टाचार का बोलबाला, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब, किसी पैरामीटर में वो नहीं आता था। आज आप ग्रेटिंग देखेंगे केंद्र सरकार की, रिजर्व बैंक की या सेंट्रल की जितनी भी संस्था हैं सबकी, उत्तर प्रदेश नंबर एक आता है हर ग्रेटिंग में। अब जब उत्तर प्रदेश नंबर एक आता है तो हर उत्तर प्रदेश वासी को खुश होना चाहिए, चाहे वो पक्ष में है चाहे वो विपक्ष में है। मेरे उत्तर प्रदेश का नाम हो रहा है तो मेरा सर ऐसे ही ऊंचा हो जाएगा कि मैं यूपी से आता हूं, और विपक्ष को इसमें प्रॉब्लम होती है, अरे भाई आप क्या चाहते हो, उत्तर प्रदेश को पीछे ले जाना चाहते हो। आज बजट राम को समर्पित बजट आया, गरीब को समर्पित बजट आया, किसान को समर्पित बजट आया, अब उसमें भी इनको प्रॉब्लम होती है। चलिए उन्हीं से राम की बात का जवाब ले लेते हैं। ठीक है राजेश जी, दो बातें आपने कही। प्रदीप जी, यहां पर अब बीजेपी कह रही है कि आगे जा रहा है उत्तर प्रदेश, एक नई पहचान बन रही, तो विपक्ष को समस्या क्यों है, पहले बीमारू राज्य की श्रेणी में था। ठीक बात आपकी, जब बीमारू राज की बात करते हैं तो ये अपने भी तीन मुख्यमंत्री जियों को आईना दिखा देते हैं, जिसमें कल्याण सिंह जी भी हैं, राजनाथ सिंह जी भी हैं और गुप्ता जी भी हैं। तो ठीक बात है, उनके टाइम पे बीमारू राज था। 2012 से 17 की जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार चली तो तुलनात्मक जो अभी राजेश जी कह रहे थे उसका मैं विवरण आपको दे देता हूँ। 2012 से 17 के बीच में अगर बात हो रही है अभी मैन्युफैक्चरिंग की लेके, अगर वो देखें तो मैन्युफैक्चरिंग का रेट लगभग 17% था, जो घट के अब 14% की मैन्युफैक्चरिंग होनी है। हालांकि ये दावा कर रहे हैं बहुत बड़े कि ये इसमें मैन्युफैक्चरिंग में हमने मेक इन इंडिया किया तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 40 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश के अंदर आया। अगर ये सब सच्चाई है तो पिछले 3 साल से इन्वेस्टमेंट आया हुआ है, आपने बजट में उसका स्वरूप देखा, कोई प्रोविजनिंग देखी? अगर इतना बड़ा बजट आपका, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आपके अंदर आ रहा है, आपने कोई प्रोविजनिंग करी है? 10% की ग्रोथ से आप GDP बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब निरासर सारा सफ़ेद झूठ आप देश को बरगला रहे हैं। दूसरी बात ये अभी कर रहे थे कि जो तुलना हम कर रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी ने इनसे 3-5 सवाल सदन में पूछे, आप बताइए 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का रोड मैप क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, अभी बता दे राजेश जी ग्रोथ रेट क्या होगा तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का आज की डेट में ग्रोथ रेट क्या है। दूसरी बात, प्रति व्यक्ति आय का उन्होंने सवाल उठाया, प्रति व्यक्ति आय में बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब देते हैं कि टैक्स फाइलिंग जो हुई है वो 12 लाख हो गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। ऐसा नासमझी वाला जवाब आपको माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेगा? मैं आपको आंकड़ा देता हूँ, 74 मिलियन पूरा इंडिया के अंदर टैक्स फाइलिंग हुई, उसमें से 51 तो जीरो टैक्स फाइलिंग थी, 25% तो जीरो निल रिटर्न फाइल होता है, तो उससे आप देश का आंकड़ा पेश करेंगे, ऐसी माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी देश की ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो इनके पास आंकड़े कुछ नहीं होते, कहते हैं इतनी ज़्यादा वहाँ पे कारें बिक गई। कुछ दिन में आप ये आंकड़ा देखेंगे, किसान की आय दुगनी करने के लिए उसके गाय भैंस की उसकी नंबरिंग होंगी, उसको बताएंगे कि इनकी बढ़ गई है तो किसान की आय दुगनी होगी। तो इस तरह के आंकड़े देके देश को बरगलाते हैं, प्रदेश को बरगलाते हैं, और इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है। अगर माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी ने जो सवाल पूछे उनसे अगर एक का भी जवाब इनके पास हो तो अभी दे दें राजेश जी। ठीक है, कुल मिलाकर सपा का ये आरोप है कि आंकड़े की बाजीगरी है। हमारे साथ सचिन रावत जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं। सचिन रावत जी बताइए, अब कांग्रेस पार्टी क्या 2024 के लिए उत्तर प्रदेश में अकेले ही मैदान में है? देखिए आस्था जी, कांग्रेस पार्टी मुद्दों को लेकर के राजनीति कर रही है और मुद्दों को हम प्रायोरिटी देते हैं। जिस तरह से श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो आज किसानों के हालात हैं, युवाओं के हालात हैं, जिस तरह से महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाएं निरंतर सामने आती हैं, उनको न्याय देने के लिए यात्रा है। अब मैं आता हूं कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में आज फिर कहीं ना कहीं एक आंकड़ों की बाजीगरी प्रस्तुत की है, मुझे एक शेर याद आता है आदम गोडवी साहब का कि सरकार की फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है
मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। मैं पूछना चाहता हूं, यहां राजेश चौधरी जी बैठे हुए हैं, खुद विधायक हैं, आज जो है महिला अपराध में उत्तर प्रदेश जो है नंबर एक पे हो गया है। 15% एनसीआरबी के आंकड़े, 15% अपराध बढ़े हैं महिला अपराध में। आईआईटी बीएचयू की घटना इनको याद होगी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से आईआईटी बीएचयू में एक बेटी के साथ में रेप हुआ और उसका वीडियो बनाया गया। गिरफ्तारी कब होती है? 2 महीने के बाद। चुनाव मध्य प्रदेश का होता है, कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश भेज दिया जाता है। और यहां पे बात कर रहे हैं महिलाओं के सशक्तिकरण की, ये लोग, मैं तो युवाओं की बात, इन्हीं के संकल्प पत्र की बात करना चाहूंगा। सरकार बनने के 90 दिनों के अंदर 10 लाख पदों को भरने की बात थी संकल्प पत्र में, क्या हुआ? राजेश चौधरी जी आप विधायक हैं, आप बताइए ना कि कितने युवाओं को रोजगार मिल गया। इनका जवाब राजेश जी से लेंगे, लेकिन एक बार आज अनिल दुबे जी कर देते हैं, बजट पर जो चर्चा हुई उस पर अनिल दुबे जी का जवाब सुनना। ये सब नहीं चलेगा, उत्तर प्रदेश का युवा चाहता है, किसान चाहते हैं, सचिन जी चाहती है सरकार। जवाब हम लेंगे राजेश चौधरी जी से। आज अनिल दुबे जी की बात सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, शायद कोई रुझान हमें मिले। औपचारिक ऐलान तो हुआ नहीं अनिल जी, बजट पर आज चर्चा हुई, आरएलडी क्या कहेगी? देखिए आस्था जी, मैं सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री ने, देश की महामहिम राष्ट्रपति ने इस देश के किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया। मैं केंद्र सरकार को, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत की महामहिम राष्ट्रपति को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने देश के करोड़ों करोड़ किसानों की और शोषित वंचित तबके को सम्मान देने का काम किया है, खेत खलिहान को सम्मान देने का काम किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जब देर से ही सही जो सम्मान उनको, वो सम्मान के पात्र थे, रत्न तो वो थे ही, उनको देर से सही भारत रत्न से सम्मानित किया है, तो चौधरी चरण सिंह के सपनों का भारत, चौधरी चरण सिंह के सपनों का उत्तर प्रदेश भी बनेगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि चौधरी साहब की जो बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, ये सारी भावनाएं जो हैं भारत रत्न उन सिद्धांतों को था उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी अपनाया जाए की जा रही है। लेकिन मेरा सवाल ये कि आज के बजट पर सरकार के दावों पर अब आरएलडी का क्या कहना है? 7 वर्षों में अर्थव्यवस्था दोगुनी हुई, 10 लाख करोड़ का निवेश आ रहा है, हमारा ये सब जो आज बातें रखी गई हाउस में, उस पर आरएलडी किसानों की नहीं, आरएलडी का मत ये है कि उत्तर प्रदेश का, देश का किसान खुशहाल हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की के मसीहा को सम्मानित करने का काम किया, तो चौधरी चरण सिंह जी के सपनों का भारत वो बनाना चाहते हैं और चौधरी चरण सिंह जी के सपनों का उत्तर प्रदेश भी बने। हम भी यही चाहते हैं कि चौधरी साहब जो चाहते थे कि इस देश का किसान खुशहाल हो, इस देश का मजदूर खुशहाल हो, इस देश के लोग खुशहाल हो, तो किसानों के लिए जो बजट मौजूदा सरकार उस दिशा में जा रही है कि नहीं, उम्मीद करते हैं सही दिशा में कदम उठा रही है कि नहीं अनिल दुबे जी? नहीं राज नहीं मौजूदा सरकार, देखिए उन्होंने, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, वो डबल इंजन की सरकार है और वो चौधरी साहब के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। चौधरी साहब को उन्होंने सम्मान देना, देने की बात उनको भारत रत्न। चलिए बहुत दिक्कत हो रही, कोई बात नहीं, ठीक है अनिल जी, बात पहुंच गई आपकी, सिद्धांतों को मूर्त रूप उत्तर प्रदेश में भी देने का काम करें। ठीक है चलिए बात आ गई। राजेश चौधरी जी, जी आंकड़ों की बाजीगरी और चौधरी चरण सिंह के सपनों का भारत आप लोग बनाने चले हैं, आरएलडी साथ है उसमें? देखिए चौधरी चरण सिंह जी तो किसानों के भगवान थे और भारत सरकार ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर के भारत रत्न का भी सम्मान किया है। इससे भारत रत्न जो हमारा सम्मान है उसका भी सम्मान होता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों की सेवा में लगा दिया, गरीबों की, मजदूरों की, गरीब तबके के लोग हैं, दबे कुचले जो समाज में लोग हैं उसके लिए पूरा जीवन समर्पित होकर ईमानदारी के साथ, एकमात्र ऐसे नेता थे जो उस समय से जब कांग्रेस छोड़कर के आए लगातार किसानों के लिए काम करते रहे। देश तो आरएलडी साथ आ गई ना आपके राजेश जी, आरएलडी आ गई तो ना साथ? नहीं आरएलडी आएगी कि नहीं आएगी ये तो नेतृत्व का काम है, ये आरएलडी का नेतृत्व जानेगा और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जानेगा, पर भारत रत्न एक ऐसे महान व्यक्ति को दिया गया है। आज आप देख रहे हो ना किसानों में खुशी मनाई, कल तो दिवाली मनाई जा रही थी मेरे खुद के क्षेत्र में, लोग दिवाली जिस तरह से माहौल होता है वो माहौल था, तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे मित्र यहाँ बैठे हुए हैं,
ये 2004 से और 2014 तक मनमोहन जी की सरकार को, सोनिया गांधी की सरकार को समर्थन करते रहे, एक बार भी नहीं इन्होंने ये कहा कि भाई चौधरी साहब को आप भारत रत्न का सम्मान दे दीजिए, क्योंकि नहीं चाहते थे कि वो हाईलाइट हो या उनको सम्मान इस तरह का मिले। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ है। और रही बात जहां तक बजट की, तो बजट तो लगातार तरक्की कर रहा है जी, रोज बढ़ता जा रहा है, हर साल बढ़ता है, और विकास के नए नए काम हो रहे हैं। जवाब ले लेते हैं, जैसा आपको राजेश जी बताया गया है कि जैसा और उत्तर प्रदेश के अंदर जितने पर्यटन स्थल है राह पे ले जा रहे हैं, हमने जो आंकड़ों की बाजीगरी नहीं है, सभी को ये जमीन भी काम हो रहा है, भारत रत्न मिला है, हमने स्वागत किया है, माननीय अखिलेश यादव जी ने भी उसका स्वागत किया है और हम सब में इसकी खुशी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भारत रत्न देके जो राजनीति करना चाह रही है, वो राजनीति से वोट तो उनको बटोरने को मिलेंगे नहीं, उसका एक कारण है, उसका एक कारण है राजेश जी, एक सेकंड बात आने, उसका एक कारण है आस्था जी की कपूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया, कपूर जी ठाकुर जी के सिद्धांत थे कि उन्होंने उस टाइम पे आरक्षण दिया, उस टाइम पे ही आरक्षण जब लगभग 25% दिया, 3% वोमेन को, 3% अग्रणी जाति को, और उनको अब आरक्षण तीन गुना बढ़ा दिया गया, जिनको 20% का आरक्षण मिला था उनको भी 60% आरक्षण दे दिया जाए, अगर ये कपूरी ठाकुर जी का सही में सम्मान करते हैं। उसी तरह से अगर ये किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान करना चाहते तो सम्मान में 750 किसानों की शहादत हो गई, उस पर भी जरा अपने वो अपना नज़रिया बताइए। आपने तीन काले कानून किसानों के लिए लेके आ गए, आपने उनकी इनकम डबल होनी थी, लागत उनकी आपने डबल कर दी और इनकम उनकी आधी कर दी। आप बड़े बड़े वादे करते हैं कि 40,00,000 करोड़ आ गया, किसानों के लिए क्या मिला वो भी बताते देते जाइए, सिर्फ ये हवा हवाई बातें करने के अलावा। आप कहते हैं 40,00,000 करोड़ आ गया, FDI 0.69% है पिछले 3 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर आई है, जो देश के अंदर FDI आई है आपके पास इसका कोई जवाब? आप इतना झूठ बोलते हैं, आप इतने सफेद झूठ बोल के और इतनी आसानी से उस चीज से निकलने, अगर तुलनात्मक आपको वो करनी है, कंपैरिजन करना है, माननीय मुख्यमंत्री जी आज सदन में कह रहे थे कि आप तुलना, आप आंकड़े जो दे रहे हैं 31 दिसंबर 2023 के दे रहे हैं, अरे आपने आंकड़े तो 70 साल के दिए, उसी आंकड़ों में आप बाजीगिरी करके 20 साल के आंकड़े दिए। अगर आपकी हिम्मत थी तो आप 2012 से 17 और 17 से 22 का, हम कहते हैं 1 साल की कंसेशन लीजिए, 23 तक का आंकड़ा दीजिए, और एक एक आंकड़ा राजेश जी मैं चुनौती देता हूं, एक एक आंकड़ा अगर आपका आपकी सरकार विफल ना नजर आई हर आंकड़े पे, तो बताइएगा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कितना बेहतरीन काम किया था, वो सारा काम छुपा के आप ये चाहते हैं जनता को बरगला के और इधर उधर के मुद्दों में फंसा के आप प्रदेश की जनता के साथ धोखा करें। प्रति व्यक्ति आय आप नहीं बता पाए, मैं बता देता हूं, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में 165% की प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश में बढ़ी थी और 2023 तक आप 165% बढ़ा पाए। इस तरह की झूठी सरकार आती है, इस तरह के आंकड़े आप पेश करते हैं, इस तरह से आप प्रदेश सचिन रावत जी और आपकी सब नीतियों को प्रदेश देख रहा है और बाखूबी समझ रहा है। बोलिए सचिन जी। देखिए आस्था जी, देखिए आस्था जी बहुत ही अच्छा सवाल उठा किसानों की बात को लेकर के, हम लोगों को बड़ा गौरवान्वित महसूस हो रहा है और देश को भी आज नाज है कि जो किसानों के मसीहा हमारे चौधरी चरण सिंह जी थे उनको भारत रत्न मिला है। लेकिन उनके आदर्शों पे, उनके सिद्धांतों पे, उनके विचारों पर भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार कब चलेगी? स्वामीनाथन जी को भारत रत्न मिला, उनकी रिपोर्ट जो है स्वामीनाथन रिपोर्ट, जिसपे MSP की बात है, जिसमें गन्ना किसानों की बात है, आलू किसानों की बात है, प्याज किसानों की बात है, जो एक्चुअल दाम है MSP में, वो सरकार कब देगी? सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय इस तरह का इवेंट करके कहीं ना कहीं वोट की चाहत जो भारतीय जनता पार्टी है उसको लुभावने के लिए चीजें कर सकती है, लेकिन धरातल पे जो चीजें हैं उनको ये लोग ना डिलीवर कर पाते हैं ना उसका कमिटमेंट कर पाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं जब सहारनपुर में यात्रा कर रहा था आस्था जी, मैं बताऊं 300 से ज्यादा किसान आज भी आंदोलन कर रहे हैं, उनका बस यही है कि गन्ना किसानों का अब तक भुगतान नहीं हो पाया है। सदन में बड़ी बड़ी डींगे हाकी जाती है कि हमने 1500 करोड़ गन्ना किसानों का भुगतान कर दिया, आलू किसान खुशहाल हैं, लेकिन आज की डेट में जो ओलावृष्टि में जो फसल चौपट हुई थी उसका अब तक उनको मुआवजा नहीं मिल पाया है। और किसान सम्मान निधि की बात तो ये लोग अब भूल ही जाएं, क्योंकि जो 6,000 की बात ये लोग करते हैं, 2,29,00,000 किसानों की सम्मान निधि बंद कर दी है। ये हमारी नहीं ठीक है, ये सवाल राजेश चौधरी जी के पास जाएगा। आप कह रहे किसान सम्मान निधि ब्रांडिंग करने में लगी है, इवेंट करने में लगी है,
ठीक है, हमारे बीच में रामपाल कुमार जी भी है, अभी तक वो बात नहीं रख पाए राजनीतिक विश्लेषक। रामपाल कुमार जी, क्या ये सचमुच सारी की सारी आंकड़ों की बाजीगरी है या 2017 से अभी कोई परिवर्तन आया है? अर्थव्यवस्था के लिए कहा जा रहा है कि वो बढ़ी है, सबसे ज्यादा निवेश आया, ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं। आप सभी को नमस्कार। मैं कहना चाहूंगा कि आंकड़े की जादूगिरी नहीं है, प्रैक्टिकल है। उत्तम प्रदेश बन रहा है, आपको देखिए एयरपोर्ट, उत्तर प्रदेश में 20 एयरपोर्ट बने हैं जिसमें 10 फंक्शनल है। ये विकास नहीं है आपका, वो विकास सैफई होता था, जहाज पे जहाज उतरता था, करोड़ों रुपए उतरते थे, वो विकास था। उसको विकास बोलोगे सफाई को, क्या आपको विकास नहीं दिख रहा है? देखिए मैं उदाहरण देता हूँ, बालाजी तिरुपति से आंध्र और तेलंगाना की सरकार चलती है, उसी तरह आज टूरिज्म में कुशीनगर कितना आगे बढ़ा है एक एयरपोर्ट खोलने से, वो विकास नहीं है। और मैं कहना चाहूंगा कि 400 पार का जो नारा है 2019 में, गरीब आदमी कैसे चलेगा? सीट सुनिए, 2019 में 353 सीट आई थी एनडीए की, कितना शॉर्ट है हमको। और बीजेपी 72 जगह पर सेकंड नंबर पे थी, ये आंकड़ा है 400 पार का अंदाज, और सिर्फ 5% वोट चाहिए बीजेपी को। इसीलिए आज आरएलडी के भाई हमारे साथ क्यों आ रहे हैं, क्यों पढ़े लिखे हैं हमारे भाई, समझ रहे हैं कि दो बार बागपत में दिया नहीं जलाता सांसद का, इस बार भाजपा के साथ वहां दिया जलेगा, किसानों का फायदा होगा। और कांग्रेस के भाई हमारे कह रहे थे, अरे 1971 से रोटी कपड़ा मकान कहते थे, क्या दिया आपने, कितना रोटी कपड़ा मकान दिया? हम कहते हैं 4,27,00,000 घर दिए हैं, 6,000 दे रहे हैं ना, आपने 600 रुपए दिए थे का। और सपा के भाई से पूछना चाहूंगा, जब सरकार से जा रहे थे 300 योजनाएं की घोषणा की थी, कितनी योजनाएं आपने सफल बनाई? 300 योजनाएं अभी बताइए, ये कोई जाते जाते कोई घोषणा करता है? घोषणाओं के बल पर देश चलेगा? राष्ट्रभक्ति चाहिए सर, राष्ट्रभक्ति, और इस वक्त राष्ट्रभक्ति दिख रही है। घोषणाएं अभी मोदी और योगी सरकार ने भी इंटरिम बजट में की हैं, जब भी वो इंटरिम बजट सर यहाँ पर प्रैक्टिकल काम हो रहा है, भूमि पूजन हो रहा है, उसका उद्घाटन हो रहा है, आप देखिए वंदे भारत कितनी दी गई थी इसको, प्रदेश को, इसको विकास कहे जा रहा है? विकास का आप उस समय का मायना और आज का मायना ठीक है रामपाल जी, सचिन जी 10 सेकंड, उसके बाद कलेक्टिव जवाब लेंगे हम राजेश चौधरी जी से, बोलिए। देखिए आस्था जी, मुझे तो लगा था कि राजेश चौधरी हमारे भाजपा के प्रवक्ता साथी हैं, यहाँ तो रामपाल जी ने भी पूरा भाजपा का गुणगान करते हुए नहीं थके, हो सकता है राजनीति विश्लेषक के तौर पे आए थे, लेकिन शायद डिबेट में ही मन बदल गया कि भाजपा के साथी नहीं बोल पा रहे हैं, वो अपनी रिप्रेजेंटेटिव जो चीजें हैं वो दे पाए। लेकिन क्या है कि एक्चुअल जो चीज है उनको भी नहीं पता है। कुशीनगर में अच्छी बात है कि उन्होंने कहा एयरपोर्ट बनेगा, गरीब आदमी क्या एयरपोर्ट पे जाएगा? जो बेरोजगार युवा अपने हक और हुकूक की जो लड़ाई लड़ता है वो क्या एयरपोर्ट में प्लेन से जाएगा? मैं तो यही पूछना चाहता हूं कि देखिए ये सरकार हवा हवाई सरकार ठीक है, प्रदीप जी बातें करने में, बरगराने में, माहौल बनाने में तो एक अच्छी बात है, एक्चुअल जो चीजें हैं वो ग्राउंड पे नहीं है। कम है, मैं सिर्फ 3 योजनाओं के बारे में बात करूंगा जो इनकी महत्वपूर्ण योजना है। उन्होंने योजनाओं की बात करी, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत का खुद सेंट्रल गवर्नमेंट का राज्यसभा में दिया गया बयान है, मैं सिर्फ उसी को कोट कर रहा हूँ। यूपी के अंदर एक 1.18 करोड़ टोटल बेनिफिशियरी कार्ड बने, जो बजट जो 2018 सितंबर 2018 से फरवरी 2000 मार्च 2023 तक 1,008 करोड़ का बजट सिर्फ उसमें खर्च हुआ उसके लिए, आयुष्मान कार्ड के लिए। इसका मतलब है औसतन 854 रुपये, तो 854 रुपए की आपकी असलियत है इस प्रदेश की। दूसरी योजना, इसी की एक रिपोर्ट आई, एनुअल रिपोर्ट 2022-23, एनुअल रिपोर्ट 22-23 जो आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना की थी, रूरल जो हाउस होल्ड्स हैं वो करीब उत्तर प्रदेश के अंदर इस रिपोर्ट के मुताबिक ही 2.62 करोड़ हैं, उसके अंदर मात्र बने कितने आस्था जी, आप जान के हैरान होंगे, 32,47,000, सिर्फ 32,47,000। तीसरी रिपोर्ट, तीसरी इनकी जल जीवन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी 3 योजना गिना रहा हूँ, गिना तो मैं सारी दूंगा एक एक करके, इनकी सारी परत खोल दूंगा झूठ की। तीसरी योजना जल जीवन मिशन की, जल जीवन मिशन में मात्र 2.625 हाउसहोल्ड्स में से मात्र 32% यूपी के अंदर 26 जुलाई 2023 तक हर घर नल और जल पहुँचने की योजना
का पूरी हुई है, ये इनकी सच्चाई है। तीन योजना का मैंने गिना है, मैं सारी योजनाओं को गिरा सकता हूं। तो इस तरह की ये योजना चलाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, इस जिस तरह से ये लोगों को बहका के उनकी वोट काट के उनको बरगला के उनको धर्म पे ला के ये सोच रहे हैं, वैसे अब होने वाला नहीं है उत्तर प्रदेश। अभी अभी मेरे को जवाब देना चाहूंगा, 10 लाख करोड़ की तो अभी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने वाली है, इनको भेज दीजिएगा, मैं निमंत्रण भेजूंगा। आप 40 करोड़ करिए, अपनी आंखों से आप 40 करोड़ करिए, 80 करोड़ लाख करोड़ करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बताइए। 40 लाख करोड़ का, 40 लाख करोड़ का इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश को मिला है। उच्च इन्वेस्टमेंट में आपने बजट की प्रोविजनिंग करी उसकी, अगर वो सही में आ रहा था, अगर आपको वित्त का ज्ञान है राजेश जी, लोकार्पण करने के लिए प्राण प्रतिष्ठा में आते हैं तब भी प्रधानमंत्री आवास नहीं जाते। आपको आज माननीय अखिलेश यादव ने पूछा आयुष्मान योजना में वही ना जाएगा जो बीमार होगा, जो स्वस्थ होगा वो आयुष्मान योजना का काहे के लिए लाभ लेगा। 800 करोड़ में से 854 एक करोड़ में से 854 इस्तेमाल होता है। और आप किस तरह की बात कर रहे हैं, इतने लंबे समय तक 1% आदमी बीमार नहीं हुआ, शासन करते रहे। हम वो लोग हैं, हमने हर घर में बिजली देने का काम किया है, आपसे चार बार सदन में माननीय यादव जी पूछ चुके, प्लांट तो बताइए कौन सा लगाया। चलिए, तो कुल मिलाकर एक तरफ दावे हैं और दूसरी तरफ उन दावों पर सवाल हैं। जनता ही अपनी कसौटी पर सबको कसेगी। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया, वक्त का तकाजा है, मुझे डिबेट यहीं वाइंड अप करनी पड़ रही है। तो कुल मिलाकर यूपी विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान 2024 का संदेश दिखा और मुख्यमंत्री योगी और अखिलेश यादव के वार पलटवार में दोनों ही पार्टियों की रणनीति की झलक भी मिली। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।